तरह आपने हमारे फर्स्ट व्लॉग को इतना सारा प्यार दिया, उसी तरह हमारे सेकंड व्लॉग पे भी आप प्यार दिखाइए। और मेरे ख्याल जो भी गलतियां हो रही है तो फिर आप हमें बताइए। और अभी हम जा रहे हैं अपने बड़े भैया लोगों को छोड़ने कॉलेज, क्योंकि आज हमारी छुट्टी है, तो मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो अंजलि और मेरी तो छुट्टी है, ये घर पे ऐसे हरियाज इतने गोल मार रखे हैं हम, और इन दोनों को हम छोड़ने आ रखे हैं अपने कॉलेज। और सिविल ने नया ब्रश लिया आज। हेलो गाओ, हेलो, हेलो गाइस, इनसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया आपको। ये है मिंटू दा, मिंटू दा योगेश कुमार, ये है यश कोहली, विराट कोहली के भाई। देखिए ये है हमारा कॉलेज, कॉलेज का गेट है। बहाने बहाने पेट में दर्द हो रहा है, इससे बहाना बना रखे। जाओ जल्दी जाओ। बाय बाय मिंटू दा। बाय बाय दा, बाय बाय। वो भी चलेगा अपने दोस्तों के, चलो हम भी जाते हैं अब अपने रूम पे। ये है मंदिर, जय हो भगवान। गाइस मेरा नया ब्रश, और ये भी खो जाता है रोज रोज, आज भी खो गया। दोस्तों इसका नया ब्रश आ रखा आज, और ये खुद अब ये खुद नहीं, बार बार हमारे यहाँ कोई ना कोई तो लेके चले ही जाते हैं ब्रश। पिंक कलर का ले रखा था, उसको पिंक कलर अच्छा लगता है। मोहल्ले अंकल ने दुकान खोल दिया है। अंकल प्रणाम, हेलो कहो। ये मेरे अंकल है लोहा घाट के। और कैसे हो अंकल आप? मैं भी ठीक हूँ अंकल। क्या बना रहे हैं अभी खाने में? ये देखिए यहाँ के मोमो बहुत टेस्टी है। अंकल ने मोमो के लिए मसाला, इसमें मेयोनीज के लिए डालते हैं, आज मेयोनीज कुछ भी नहीं डाल रखे हैं। जाते हैं हमें काम पे। बाय बाय अंकल, अभी आएंगे शाम को। गाइस तो आज हम बनाने जा रहे हैं पहाड़ी ज्वाला। तो फिर ज्वाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने भटको भिगो लिया था गर्म पानी पे, कल रात ही भिगो लिया था गर्म पानी से, तो फिर ये सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे पीसेंगे सिलबट्टे पे। है मेरी छोटी सी बहनी रिया। हेलो कहते रिया, रिया हेलो को बोल दे, हेलो बोल दे। ये गढ़वाल से है, और ये है आंटी। हाय कह दो आंटी। हाय। ये भी गढ़वाल से है, और ये अम्मा। हाय कह दो अम्मा। ये अम्मा बिहार से है, और ये है हमारे भट्ट, और ये रहा हमारा सिलबट्टा। ये सिलबट्टा अम्मा का है, देसी सिलबट्टा कहते बोलते हमारे यहाँ से। तो ये है भट्ट, इसे अब हम पीसने का काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। रिया हाय बोल दे। देखो, और रिया बहनी खा रही है। क्या खा रही है तू? हाँ ये खा रहा, दही खा रहा है ये। और ये जो पहाड़ी सिलबट्टा ना, बड़ा अजीब सा होता है पीसने में। आई मीन देसी सिलबट्टा, जो हमारा पहाड़ी सिलबट्टा तो गैला गैला होता है ना, तो भी अच्छा लगता है इसमें पीसना। इसमें तो उधर से गिर जाते हैं, इधर से गिर जाते हैं ना, कोनो कोनो बड़ा बड़ा रहता है। हाँ बड़ा बड़ा रहता है सिलबट्टा, छोटा छोटा लिए है ना। अच्छा छोटा लिया आपने? हमारे उधर बिकने आता है बहुत बड़ा। हमारे यहाँ तो घर पे नदी पे बना लेते हैं। तो आंटी ने पहले पीस दिया, अब मेरी बारी। ये देखिए कुछ इस टाइप का बनाना पड़ता है, पतला पतला सा।
ये कर लिया। अब हम इसे दूसरी बार ले रहे हैं। मैंने पीस लिया था तो फिर मैंने इतना पीस लिया है और अब शिवांगी पीस रही है। हाय, कैसे शिवांगी? हेलो। शिवांगी पीस रही है और अंजलि ने भी हेल्प की थी बट अंजलि पीस नहीं पाई, इससे हो रहा नहीं था तो मैंने तो इतना पीस लिया। दीदी थक गया थोड़ा सा, मिलते हैं थोड़ी देर को। तो दोस्तों, जानले के लिए हमने इसे पीस लिया है और देखिए लोहाघाट का मौसम तो बहुत ही ख़राब हो रहा है। ये देखिए मौसम इतना ख़राब हो रखे हैं और ये रिया ख़राब मौसम हो रहा है और यहाँ खेली है न रिया। ये देखिए दीदी। और अभी हम खाना जो है जॉन है इस किचन में बनाएंगे। ये छोटा सा किचन टाइप का बना रखा है यहाँ पे आंटी ने, ये मकान मालिक लोगों का हमारा, तो फिर उन्होंने हमसे कहा यहाँ तुम बना लेना है जॉला, तो फिर अब यहीं हम जॉला बनाएंगे। सो दोस्तों, मौसम इतना ठंडा हो गया था ना तो फिर मैंने अभी स्वेटर पहन लिया है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। लोहाघाट में वैसे ठंड बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अभी जॉला बनाने के लिए मैं आग जला रहा हूँ। यहाँ कुछ बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी, कुछ छोटी छोटी लकड़ी थी, बाहर की तो बारिश आ रही है। अभी मैं लकड़ी तोड़ देता हूँ फटाफट से, उसके बाद बनाते हैं पहाड़ी डिश जॉला। तो दोस्तों, हम जॉला बनाने के लिए हमने आग जला ली है और ये शिवांगी ने यहाँ पे कढ़ाई भी लगा ली। और ये प्रवीण यहाँ पे बैठे। हाय कौदा। हाँ हेलो। हमारे यहाँ थोड़ी बहुत लकड़ियों की कमी है बिकॉज हम घर से बाहर रह रहे हैं ना, तो इसलिए हमारी मकान मालिक आंटी से हमने थोड़ी लकड़ी मांग ली थी। शिवांगी, आपको कैसा लग रहा है जॉला बनाते हुए? फीलिंग सो गुड। तो दोस्तों, हमने चावल सुबह भिगो लिए थे और ये पहले इसमें गरम कर लेते हैं, फिर उसके बाद चावल को डाल लेते हैं। इसे शायद उबलने तक रखते हैं ना, या इसके साथ ही वो उसको डाल दूंगी। अच्छा, उसे भी दोनों को साथ मिक्स कर लेते हैं, मिक्सअप दोनों को साथ कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमने भट भी डाल दिया, देखिए। और इसे हाथ से चावल वो नहीं है ना घर का। अच्छा, ये घर का चावल नहीं है, जो मार्केट में आते हैं ना चावल, वही चावल यूज़ कर रखा हमने। तो घर का चावल डालते तो वैसे ज़्यादा बेटर रहता ना। और देखिए, इसे हाथ से मतलब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, कढ़ाई को उतना गर्म भी नहीं होने देते। हाँ, सिखा देते ना ना, फिर इसमें मसाले पड़ते हैं क्या? हाँ। अच्छा, अच्छे से उबलने के बाद सो हम इस पे डाल रहे हैं मसाले। वैसे पहाड़ी खाने पे मसाले ज़्यादा पड़ते हैं नहीं, तभी इसमें हम थोड़ी कम क्वांटिटी पे हमने हल्दी डाल रखे है और नमक। दोस्तों, ये हमारा जॉला तैयार हो गया। अभी इसी के साथ खाने के लिए हम चटनी ही पीस रहे हैं। शिवांगी चटनी पीस रही है और अभी ये देखिए जॉला इस टाइप रेडी हो चुका है। दोस्तों, ये देखिए, ये है जॉला, ये है चटनी और ये है झोली, ये है भुनी हुई मिर्च। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बन रखे है। तो यार दोस्तों, ये देखिए भट्टी तो बना ली है, टेस्ट करते कहते हैं हमें बर्तन धोना जूठा बवाल लगता करके। देखिए, ये इसमें खा रही है, प्रवीण दा हॉट के इसमें खा रहे हैं और मिंटू दा तो हीरो ठहरे, उन्हें ऐसे थाली में गुस्सा हो जाते हैं हमसे, राइट मिंटू दा? यस कहो। और अंजलि महाशय को कढ़ाई पे खाते हुए पोस के संग। यो, दीपांशु हीरो ठहरा, देखिए दीपांशु अच्छे से खा रहे हैं।